22 अप्रैल की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं कि निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भवा। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ, मतलब कि हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, और निर्विकल्प स्थिति है, मतलब कि कोई भी हमारे अंदर अपवित्र या नेगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे हों। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। अगर आपके अंदर स्वार्थ नहीं है, अगर आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, सिर्फ औरों को आगे बढ़ा रहे हो, तो और आपसे संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अगर अपने आप को आगे बढ़ाओगे और को पीछे करोगे तो हमसे कोई संतुष्ट नहीं रहेगा। और साथ ही साथ निर्विकल्प, हम किसी के बारे में बुरी बातें ना फैलाएं, किसी की नेगेटिविटी ना देखें, किसी की नेगेटिविटी को चारों तरफ ना दर्शाएं, और किसी के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन ना रखें, अपवित्र थॉट्स ना रखें, तो ऑटोमेटिकली हम भी हर्षित, वो भी हर्षित। तो स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें तो उठती हैं, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, हर एक के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, हर एक को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, लेकिन अनेकता में मुझो नहीं, इतने सारे डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, कन्फ्यूजन है, उसमें कन्फ्यूज मत हो जाओ। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने, है ना। अगर कोई बुरा ना मान जाए, उसका नहीं बात मानी, अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी तो वो कहीं बुरा ना मान जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी। परमात्मा कहते हैं निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। खुद को आगे रखने का नहीं, खुद को आगे फेमस नहीं करना, खुद के प्रति लोगों को आकर्षित नहीं करना, और साथ ही साथ मैंने आइडिया दिया, मैंने बोला, मैंने चूज़ किया, मैंने गाइड किया, ये सारी चीज़ें भी दूर रहें इनसे तो बेटर है। और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।